हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भुट्टे के पकौड़े। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनते हैं। तो सबसे पहले हमने चॉपर लिया है, इसमें 3-4 हरी मिर्ची, 4-5 कली लहसुन, इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। अभी इसमें डालेंगे भुट्टे के दाने, मैंने दाने निकाल दिए हैं। अब इसको भी दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। देखिए, इस तरह से मैंने आधा दरदरा किया और आधे ऐसे ही रह गए, तो इसमें ऐसे चलेगा। अब थोड़ा सा प्याज कटिंग किया है मैंने, 2 प्याज या 3 प्याज डाल सकते हैं आप इसमें। इसको भी हम चॉप करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने चॉप कर दिया है। इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा जीरा, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें डालेंगे चावल का आटा। हमने 1.5 कटोरी जितना चावल का आटा लिया है। अभी इसमें डालना है बेसन। बेसन में हमने 1.5 कटोरी जितना लिया है, छोटी कटोरी। चावल से हमारे पकौड़े बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है, जितना इसमें ये सोख सके। अब इसको अच्छे से दबा से हुए मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम डालेंगे अदरक। अदरक हमें साथ में ही डालनी है, मैं इसमें बाद में डाल रही हूँ, भूल गई थी। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हरे धनिए का। इसको भी मिक्स करना है। और 1 चम्मच अजवाइन लिया है, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम एक कढ़ाई में तेल रखेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। मैं आपको ये पकौड़े सरसों के तेल में बना के बताऊँगी, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी भी लगते हैं और क्रंची भी बनेंगे। तो कढ़ाई में हमने तेल ऑलरेडी रख दिया है, हमारा तेल गर्म हो चुका है, देखिए इसलिए धुआँ निकल रहा है। अब एक एक करके पकौड़ा इसमें डालना है। मैंने 7-8 पकौड़े इसमें डाल दिए। ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना, आटे को हल्के हाथों से ही ले लेके डालना है। देखिए, हल्के से ब्राउन हो गए, हम इसको पलटी करेंगे। ये पकौड़े सब पकौड़े से बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, प्याज के पकौड़े से भी ज़्यादा टेस्टी और अच्छे लगते हैं, और क्रंची भी जल्दी बनते हैं ये। देखिए, पकौड़े पक चुके हैं, हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। हम इसको निकाल देंगे, तेल को अच्छी तरह से निकाल लेना है। मैं आपको एक भजिया तोड़ के बताऊँगी। देखिए ये पकौड़ा, इसको भजिया भी बोल सकते हैं, देखिए। और इसको हम चाय के साथ या फिर ग्रीन चटनी, रेड सॉस के साथ, देखिए इस तरह से